हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपट्री टेक्नोलॉजीज। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे आर्डिनो इंटरफेस विद फोर सेंसर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग टिंकर कैड ओपन करेंगे। ये हमारा टिंकर कैड का डैशबोर्ड है जहां पर सर्किट सिमुलेट करेंगे। ये हमने प्रोजेक्ट का नाम लिखा है आर्डिनो इंटरफेस विद फोर सेंसर। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कॉम्पोनेंट सर्च करते हैं आर्डिनो। ये हमने आर्डिनो को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग सर्च करेंगे फोर्स सेंसर। ये हमारा फोर्स सेंसर, इसको वेट के लिए भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जितना फोर्स लगेगा उतनी हमें पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी। वेट के लिए वेट सेंसर भी इसको हम बोल सकते हैं, फोर्स सेंसर भी बोल सकते हैं। जितना वेट होगा उतनी वैल्यू हमें अलग अलग वैल्यू मिलेगी। तो हम लोग देखते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे मिलती है वेट इंक्रीज करने पे। एक और, अब हम लोग एक रजिस्टर ले लेंगे। ये हमने फोर सेंसर के लिए रजिस्टर ले लिया है। अब रजिस्टर को रोटेट करने के लिए रजिस्टर पे क्लिक करिए और ये रोटेट का ऑप्शन है। यहाँ से हम रोटेट करेंगे और रजिस्टर की वैल्यू हम लोग 10K कर देंगे, 10 kΩ। अब इसी रजिस्टर को हम लोग इस फोर सेंसर के, देखिए टू टर्मिनल है, टर्मिनल 1 टर्मिनल 2, दोनों टर्मिनल में किसी को भी किसी से कनेक्ट कर सकते हैं। रजिस्टर यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी कनेक्ट। पावर आप फर्स्ट में भी दे सकते हैं, सेकंड में भी दे सकते हैं, कोई चीज फिक्स नहीं है। ये हमने रजिस्टर कनेक्ट कर दिया और सेकंड पिन रजिस्टर की जो है वो हम लोग ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे, GND से। ये हमने GND से कनेक्ट कर दिया और इसको ब्लैक कर देते हैं। अब इसी टर्मिनल में हम लोग एनालॉग पिन भी कनेक्ट करेंगे, इसी टर्म सेम टर्मिनल पे येलो करते हैं। ये कलर फिक्स नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव का कलर फिक्स होता है। पॉजिटिव मतलब रेड, नेगेटिव मतलब ब्लैक। अब ये सेकेंड टर्मिनल जो फोर सेंसर का है इसको हम लोग पावर से कनेक्ट कर देते हैं, 5 वोल्ट। हमने 5 वोल्ट से कनेक्ट करके इसको रेड कर दिया है। अब इसके बाद हम लोग एक LED कनेक्ट करेंगे। एक LED हो गए और एक रेजिस्टर ले लेंगे जो LED के कैथोड पिन में कनेक्ट करेंगे और इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे हम लोग आर्डिनो के ग्राउंड पिन से। और सेकंड टर्मिनल एनोड पिन को हम लोग आर्डिनो की 8 पिन से कनेक्ट कर देते हैं। और इस रेजिस्टर की वैल्यू हम लोग चेंज करते हैं, इसको करते हैं 330 ओम, किलो ओम की जगह ओम सेलेक्ट। ये हमारी सर्किट कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग इसका कोड्स पार्ट में चलते हैं। क्लिक करिए कोड पे और ये ब्लॉक सेलेक्ट है, ब्लॉक सेलेक्ट रहने दीजिए, इसको डिलीट करिए। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमने सेंसर यूज किया है तो हम लोग वेरिएबल क्रिएट करेंगे। वेरिएबल पे क्लिक करिए, क्रिएट वेरिएबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे फोर्स सेंसर। यहाँ पास फोर्स स्पेस आप नहीं डाल सकते हैं, अगर आपने स्पेस कर दिया तो आपका एरर आ जाएगा। तो यहाँ पर अंडरस्कोर आप कर सकते हैं, स्पेस नहीं कर सकते। ओके कर दीजिए। यहाँ पर देखिए हमें 3 ब्लॉक्स मिल गए हैं, सेट फोर्स, चेंज फोर्स। तो हम लोग सेट वाला ब्लॉक ले लेंगे यहाँ पास। इसके बाद यहाँ पास जो हम लोग ब्लॉक रखते हैं वो ब्लॉक वो वाला रखते हैं जिस पिन से कनेक्ट है हमारा सेंसर। सेंसर हमारा किस पिन पे कनेक्ट है, देखिए एक होता है एनालॉग, एक होता है डिजिटल। तो हमारा किस में कनेक्ट है, एनालॉग में कनेक्ट है। तो हम लोग इनपुट में जाएंगे, अगर डिजिटल पे कनेक्ट होता तो रीड डिजिटल पिन होगी, एनालॉग पे कनेक्ट है तो रीड एनालॉग पिन। यहाँ एनालॉग है, देखिए एनालॉग पे जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए A0, A1, A2 जिस पे कनेक्ट आपने किया है वो सेलेक्ट कर दीजिए, A0 पे सेलेक्ट कर दिया। अब इसके बाद सीरियल मॉनिटर पर वैल्यू देखने के लिए आउटपुट पे जाइए और यहाँ पर देखिए प्रिंट टू सीरियल मॉनिटर का ब्लॉक है, यहाँ पुट करिए। वैल्यू हमारी फोर्स सेंसर की देखनी है तो हम जो वेरिएबल क्रिएट कर रहे थे उस वेरिएबल को हेलो वर्ड की जगह रखने आए, हमने पुट कर दिया। अब हम लोग स्टार्ट सिमुलेट करेंगे और उसके बाद ये सीरियल मॉनिटर को ओपन करेंगे। इस पर क्लिक करिए, यहाँ देखिए वैल्यू आ रही है, 0 वैल्यू आ रही है। इस पर क्लिक करिए, ये इंक्रीज करिए, देखिए यहाँ से वैल्यू इंक्रीज हो रही है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 900 तक है और ये लो है, ये लो हो रही है। जैसे हमने एक वैल्यू रख दिया कि
पर्टिकुलर वैल्यू का ग्रेटर देन 500 देन हमारी एलईडी ग्लो हो। तो जब हम फोर्स सेंसर इस पे हम कोई चीज लोड रख रहे हैं फोर्स सेंसर पे, जब आप हार्डवेयर यूज करेंगे तो यहाँ फोर्स सेंसर उस पे लोड रखेंगे तो पर्टिकुलर अलग अलग वैल्यू आएगी। तो इस पे हम लोग रखते हैं, हम रख देते हैं मैक्सिमम 600 के अबव अगर वैल्यू जाती है तो एलईडी हमारी ग्लो हो जाए। तो अब हम लोग कंट्रोल सेक्शन में जाएंगे और यहाँ के इफ एस ब्लॉक ले लेंगे, इफ और एस। इफ एस ब्लॉक लेने के बाद कैलकुलेशन है, तो मैथ सेक्शन में मैथ ट्रायंगल ब्लॉक लिया, किसके साथ कंपेयर करना है, फोर्स सेंसर की वैल्यू कंपेयर करना है, तो फोर्स सेंसर का ब्लॉक यहाँ पुट करेंगे और यहाँ वैल्यू डाल देंगे, जैसे 600 ग्रेटर देन 600, ग्रेटर देन और इक्वल देन का वैल्यू लगा देंगे साइन। अब देखिए एलईडी हमारी कनेक्ट है 8 पिन पे, तो आउटपुट पे जाइए, सेट पिन एक ब्लॉक यहाँ रखेंगे, एक ब्लॉक यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पे 8 सेलेक्ट करेंगे, 8 यहाँ पर भी 8। जब हमारी वैल्यू 6 से ग्रेटर देन हो तो एलईडी हाई हो जाए, लेस देन हो तो एलईडी लो हो जाए। ये हमारा पूरा कोड कंप्लीट हो गया है कंडीशन के साथ। अब हम लोग स्टार्ट सिमुलेट करेंगे, अभी एलईडी ऑन नहीं है, मतलब फोर्स सेंसर की वैल्यू कितनी है, 0 है। अब फोर्स सेंसर पे हम कोई लोड रख रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर है इस वजह इसने ऑप्शन दे दिया है कि इस तरीके आप लोड रख रहे हैं। आप समझ लीजिए कि ये लोड आप इसके ऊपर पुट कर रहे हैं, ये हमने लोड रखा, जितना लोड रखा मैक्सिमम लोड जहां 500 के ऊपर हुआ तो हमारी देखिए ये एलईडी ग्लो हो गई है। इससे बहुत सारे प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं, वेट सेंसर के भी प्रोजेक्ट आप इससे बना सकते हैं, और इसमें कई कंडीशन दे सकते हैं। आप दे सकते हैं 200 पे, 300 पे, 500 पे, 600 पे, 700 पे आप दे सकते हैं। जैसे हमने एक कंडीशन दिया, आप मैक्सिमम कंडीशन दे सकते हैं। फोर्स सेंसर इसी तरीके से वर्क करता है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग इतना ही सीखेंगे, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग बनाएंगे आर्डिनो इंटरफेस विद की 4x4 कीपैड। प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।